अपराध करने की कोई उम्र नहीं होती, और बात अगर पैसों की आ जाए तो लालच बहुत बुरी बला होती है। ऐसा ही एक सनसनीखेज चौंकाने वाला मामला थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र के अंतर्गत घटा है, जहां एक 12 वर्षीय बच्चे ने चंद पैसों के लालच में आकर एक पति पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला क्या है, घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं गाजियाबाद से डीसीपी ग्रामीण डॉक्टर इरज राजा जी। लगभग एक माह पूर्व थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें बुजुर्ग दंपति की गला दबाकर दम घोटकर हत्या कर दी गई थी। उस प्रकरण को सभी वरिष्ठ अधिकारी गणों द्वारा मौका मुआयना किया गया था, आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। उसमें लगातार काम करते हुए टीमों ने लगातार एक माह तक लगातार लगी रही काम करते रहे। मैनुअल इनपुट के आधार पर एवं अन्य सोर्सेज के आधार पर हम लोगों ने उस केस पर लगातार काम किया। थाना ट्रोनिका सिटी ने अंततः इस घटना का सफल अनावरण करते हुए तीन अभियुक्तों को हिरासत में लिया है, जिसमें से एक बाल अपचारी भी है। एक 12 वर्षीय बालक ने ये पूरी घटना को प्लान किया था। वो वहीं पर कभी कभी लोहा बेचने जाता था, और ये जो बुजुर्ग दंपति थे कबाड़ी का काम करते थे, तो उसी को बेचने के बहाने ये वहाँ पर रात में गया लगभग 4 बजे, और ये अपने तीन साथियों को साथ में लेके गया। और इन सब की पहले से यही प्लानिंग थी कि वहाँ पर कुछ पैसा मिल सकता है, क्योंकि कबाड़ बेचने का काम करते हैं, तो उस पैसे को फिर हम लोग लेके इनको मारकर उस पैसे को लेके हम यहाँ से भाग जाएंगे। तो ये वहाँ पर मौके पर गया। इस लड़के ने, जो 12 वर्षीय बालक है, इसने दरवाज़ा खुलवाया, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो निकल के आईं। उनके निकलने के बाद सबसे पहले इन्होंने उनकी हत्या की, इन्होंने मिलकर तीन चारों ने। फिर उसके बाद जो बुजुर्ग व्यक्ति अंदर सो रहे थे, उनके पति, उसके बाद उनकी हत्या की, और वहाँ पर लगभग 40-50 हज़ार रुपये थे, वो मोबाइल फ़ोन एवं एक चांदी की चेन, ये सब लेके ये लोग वहाँ से चले गए। उसके बाद तत्काल हमारी टीमें काम कर रही थी उस पर, और बहुत ही अच्छा घटना का सफल अनावरण किया है। इस प्रकरण में तीन अभियुक्त को हम लोगों के द्वारा हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया। इसमें मंजेश और शुभम है, इसके अलावा एक बाल अपचारी भी है। एक अभियुक्त संदीप अभी इसमें वांछित है, उसको भी हम लोग शीघ्र गिरफ्तार करेंगे और कठोर कार्रवाई उसके विरुद्ध भी हम लोग करेंगे। अच्छा सर, बरामदगी की अगर बात करें तो इन लोगों से क्या क्या बरामदगी हुआ है और किस तरह के ये अपराधी हैं? इनसे लगभग 12,000 रुपये बरामद हुए हैं। एक चेन जो बुजुर्ग महिला की थी वो बरामद इनके पास से हुई है, एवं एक मोबाइल फ़ोन जो वो लोग यूज़ करते थे, उस मोबाइल फ़ोन को भी लोग वहाँ से ले गए थे, वो भी इनसे बरामद हुए। क्या इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है सर? अभी तक यहाँ पर कोई इनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। ये मूलतः बिहार के रहने वाले इनमें से दो लोग, तो वहाँ से भी जानकारी की जा रही है, और ये इनकी इस तरह की पहली घटना थी। तो क्या ये केवल लूटपाट की इरादा को लेकर डबल हत्या, डबल हत्या को लूटपाट के इरादे से ही इन्होंने ये घटना को अंजाम दिया था?